सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई भारतीय बाजारों को लेकर। आप लोग देखोगे मार्केट में एक हैवी फॉल हमें दिखाई दे रहा है। कोई सा भी इंडेक्स देख लो भी, निफ्टी बैंक को छोड़कर, जी हाँ निफ्टी बैंक को छोड़कर और सारे के सारे जो इंडेक्स हैं वो बुरी तरीके से टूटे हैं। सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स टूटा अभी वो है आईटी इंडेक्स। आईटी सेक्टर में भारी भरकम फॉल, आज के दिन भारी भरकम बिकवाली का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं आप लोग देखोगे भी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% के ऊपर में गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स में 0.25% के करीब गिरावट है। जी हाँ 0.25% के करीब मिड कैप इंडेक्स टूटा हुआ है। तो आखिरकार गिरावट के पीछे का रीजन क्या, सभी के मन में एक ही डाउट है, अभी क्यों आखिरकार टूट रहे बाजार। भाई आप लोगों को सभी को पता है ये जो टाइम है ना, अभी टाइम मार्केट में डर दर्शा रहा है। ठीक है, आप लोग देखोगे 4 जून इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं 4 जून को। ठीक है, 1 जून को आप लोग देखोगे भी ये 7th phase की जो अभी वोटिंग हो रही है, तो इन सबको देखते हो थोड़ा सा डर है पब्लिक के अंदर। और ये जो डर है वो जायज भी है भाई। ठीक है, डर होना भी चाहिए। देखो भी पता नहीं किसकी गवर्नमेंट आ जाए, करंट गवर्नमेंट आई तो देखो भी यूबीएस ने जो रिपोर्ट निकाली थी अभी आपने देखा होगा कि भी अगर बीजेपी को मेजोरिटी मिलती है, ठीक है पूर्ण बहुमत अगर बीजेपी को मिलता है तो उस कंडीशन में निफ्टी जो ना अभी वो 25,000 के जो आंकड़े वो छू सकती है। ठीक है, 25,000 के आंकड़े छू सकती है अगर यूबीएस की रिपोर्ट के अनुसार बोल रहा हूँ मैं, अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है। एनडीए ने भी बीजेपी एनडीए आप लोगों को पता होगा भी एनडीए और बीजेपी इनका गठबंधन बन गया, जो एनडीए अलायंस है वो बनाया गया है। ठीक है, बीजेपी को अगर अकेली बीजेपी को आप लोग देखोगे अगर पूर्ण बहुमत मिलता है, 272 की जो सीट्स हैं वो मिल जाती है तो उस कंडीशन में मार्केट हाथ नहीं आने वाला है भाई। ठीक है, और एनडीए और आप लोग बीजेपी जो एनडीए अलायंस है ये अगर मिलकर आप लोग देखोगे भी पूर्ण बहुमत लेते तो भी मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर जो मार्केट के अंदर डर है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस को लेकर ही है, बहुत ज़्यादा डर है पब्लिक के अंदर। ऊपर से आप लोग देखो कल के दिन जो टाटा स्टील के रिजल्ट्स है वो थोड़े ख़राब आए भाई, उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट है। फिर आप लोग ऊपर से एक्सपायरी भी आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का भी दबाव है, तो ये कारण रहे हैं गिरावट के पीछे। और जो भाई देखो भाई लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है उन्हें इलेक्शंस रिजल्ट का वेट कर लेना चाहिए। ठीक है, और जिनकी पहले से होल्डिंग है पोजिशन थोड़ी सी हल्की रखो भी इलेक्शन रिजल्ट आने तक। ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट आते हैं उसके बाद एंट्री लेना ठीक रहेगा। या फिर आपको लगता है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो फिर से आएगी सत्ता में और पूर्ण बहुमत से आने वाली है तो उस कंडीशन में आप अपने होल्डिंग बनाए रख सकते हो भाई। ठीक है, आपकी जो भी क्या बोलते हैं सोच है समझ है, ठीक है उसी हिसाब से आप लोग इसके अंदर ट्राई कर सकते हो। तो इसके लेवल वगैरह कैसे रहेंगे ठीक है चलिए वो देख लेते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये अभी आज मार्केट में एक हैवी फॉल हमें जरूर देखने को मिल रहा है। अभी देखो जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ से भी नेगेटिव संकेत है, वो तो कारण है ही है सभी को पता है। तो यहाँ पर देखो कभी इंडिया विक्स में, ठीक है निफ्टी विक्स में कुछ ज़्यादा बड़ा उछाल नहीं आया अभी आज। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो जो डर है उसके कारण आप लोग देखोगे मार्केट में ये करेक्शन नहीं बन रही है। ये दर्शा रहा है कौन, ये जो इंडेक्स है क्या बोलते हैं ये निफ्टी विक्स है, ये दर्शा रहा है इंडिया विक्स का जो इंडेक्स है वो दर्शा रहा है। ठीक है, और आप लोग देखोगे यूरोपियन बाजार है इनमें भी हमें पॉजिटिविटी आते हुए नजर आ गए, जो कि कल 1-1.5% के आसपास गिरावट में क्लोजिंग लिया था। यूएस मार्केट ऑलरेडी डाउन चल रहा है अभी, ठीक है कल के दिन बड़ी गिरावट रही थी यूएस मार्केट में और वहाँ का जो विक्स है विक्स में भी एक जबरदस्त स्पाइक देखने को मिला जिसके चलते वहाँ के बाजार टूटे हैं। फ्यूचर्स की अगर बात करें नैसडैक फ्यूचर डाउ फ्यूचर S&P 500 फ्यूचर भी हमें ये गिरावट में दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का भारतीय बाजारों के ऊपर असर है। और दूसरा सबसे बड़ा जो असर है वो आप लोगों निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है भाई, तो ये भी असर डाल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहना ठीक है। चलिए एक बार सपोर्ट देख लेते हैं निफ्टी के। तो जैसा कि यहाँ पर देखो कभी 22594 का सपोर्ट था, टूटा तो आप लोग देखो 22364 ही अगला सपोर्ट रहेगा अभी। इसके बाद 22046 या 22046 का ये फिर थर्ड सपोर्ट रहेगा। उसके बाद आप लोग देखोगे भी ये जो ना अभी ट्रेंड लाइन के नीचे में आ जाएगा और उस कंडीशन में आप लोग देखोगे थोड़ा सा संभल के चलना सही रहेगा। तो यहाँ पर चांस है कि मार्केट हमें जो ना अभी अच्छा खासा उछाल दिखाई दे। और बाकी देखते भी अभी के टाइम जो सपोर्ट है वो 22364 का रहेगा, वो कल के लिए भी सपोर्ट ही है भाई। ठीक है, उसके बाद नीचे में 22046 ये लेवल तक जो मार्केट है वो हमें आप लोग 22,000 तक अगर आते हुए नज़र आए क्या बोलते हैं इलेक्शन रिजल्ट तक, तो भी देखो जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है वो आपको अच्छे खासे दामों पर मिल रहे हैं, तो उनकी एक लिस्ट निकालना और तैयारी रखना भी जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा मौका बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।